सो हेलो गेमर्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल वाइटी संगीत पे। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो, पर किसी किसी के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगा क्योंकि माइनक्राफ्ट ज़्यादा बंदे नहीं खेलते आजकल। कभी कभार ये गेम भी कभी कभार ट्रेंडिंग भी हुआ करता था, इसलिए आज हम आ चुके हैं माइनक्राफ्ट में। क्योंकि मैं कई दिनों से फ्री फायर और पबजी नहीं खेल रहा, कई दिनों से उन लोगों की मोंटेज भी नहीं बना पा रहा, इसलिए मैं माइनक्राफ्ट में था। इसलिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी गाइस। तो आज हम आ चुके हैं हमारे माइनक्राफ्ट में। तो आज हम देखेंगे हम एक छोटा सा अच्छा सा घर कैसे बना सकते हैं माइनक्राफ्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो इसके साथ। और हाँ गाइस, एक बात मत भूलिएगा, जो भी चैनल में नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को पूरा देखना और एक भी पार्ट मत मिस करना। और अंतिम में अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक के बटन को भी जरूर दबा देना। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो माइनक्राफ्ट में घर बनाने के लिए हम लोगों को कुछ चाहिए मटेरियल। सो हमारे पास नहीं हो तो हमको उनको कलेक्ट करना पड़ता है और बाद में उनको क्राफ्टिंग करके एक पार्टिकुलर हिस्से में बदल चाहिए। अगर आपको ग्लास चाहिए तो आप क्या लेंगे, आपको सैंड लेना है, सैंड को फ्लोरेंस में डालना है, फ्लोरेंस से एक ग्लास क्रिएट होगा, ग्लास बॉक्स क्रिएट होगा, उसमें से ग्लास बॉक्स लेके क्राफ्टिंग बॉक्स में जाके हम लोगों को ग्लास एक्सट्रैक्ट करना होगा। और अगर आपको ग्लास में कोई कलर चाहिए, एक फ्लावर को तोड़ लो और तोड़ने के बाद उसका जो होता है उसको क्राफ्टिंग टेबल में यूज कर लो। और उसका डाई होता है जो उसका भी रेसिपी है, ठीक है, जो डाई आता है तो आप लोगों को उसका डाई का भी रेसिपी होता है, वो डाई का रेसिपी यूज करते आप लोग एक क्रिएट कर सकते हो कौन सा रंग आपको चाहिए। अगर आपको लाइट ग्रे चाहिए तो आपको फ्लॉपी फ्लावर लेना होगा, अगर आपको ब्लू चाहिए तो वो फ्लावर का नाम मेरे को पता नहीं, पर ब्लू कलर का फ्लावर कोई फ्लावर होगा, आपको वही फ्लावर लेना है। और हाँ गाइस, एक बात हो, जब आप ग्लास के काम कर रहे हो तो ध्यान से करना, क्योंकि कभी कभार गलती से लग जाता है तो आपका कभी कभार मटेरियल कम होता है, इसलिए आपको घर बनाने में थोड़ी ज़्यादा देर लगने की वजह से आपको बहुत गुस्सा आ सकता है। क्योंकि अगर मटेरियल कम हो गया तो आपको फिर से मटेरियल ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। इसी के साथ और एक और बात, अगर ध्यान से नहीं लगाओगे तो जो ये ब्रिक वगैरह होता है अगर ग्लास में तुम वो करोगे तो वो ग्लास टूट जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो गाइस संभाल के करना, ग्लास कभी भी तोड़ना नहीं, ठीक है, आराम से करो। जैसे मैंने किया, मैं एकदम हड़बड़ में था इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो भी नहीं डाला था चैनल में, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा था। तो बाई मिस्टेक ये दो तीन जगह पर मेरे रंग ग्लास लग गए, इसलिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। पर आप लोगों को ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं है, आपको आराम से करना है, आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, ठीक है, आप आराम से करना, आपको आपका घर आराम से अच्छा चाहिए तो आराम से करना, जो करना है आराम से करना।